Story, are you the Canada-U.S. border is effectively shutting down. Donald Trump tweeting this morning that the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. Since December 2019, the COVID-19 has spread all over the world, causing sickness, panic buying, racism, and many deaths. Today's video is little bit different than usual because the situations are also unusual. It's about COVID-19. CO stands for Corona, VI stands for virus, and 19 stands for the year in which it discovered, that is 2019. Aur ye video isliye kyunki unfortunately country wise situations different hai. India se mere parents, friends sab log mujhe call karke messages karke pooch rahe ki yahan ki situations kya hai, yahan ki halat kya hai, to maine socha kyun na video ke through yahan ki situations aap sabhi ke sath share karu. As per Canadian government website, yahan pe total 736 people infected hai. So when I visited Freshco today, जो कि यहाँ का एक ग्रोसरी स्टोर है, तो वहाँ की हालत कुछ ऐसे थे. Bread racks are empty. Tinned products like soup, noodles, canned vegetables, beans are empty. Aisle for toilet papers, tissues are empty. दो यहाँ पे कुछ ऐसे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं. एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ पैनिक बाइंग. सो प्लीज स्टॉक अप ऑन इसेंशियल्स बट अवॉइड पैनिक बाइंग. क्योंकि व्हेन आई विजिटेड द स्टोर आई आल्सो सॉ दिस. फ्रेश वेजिटेबल्स आर इन स्टॉक, फ्रूट्स आर इन स्टॉक, मिल्क एंड एग्स आर इन स्टॉक. And specially vitamin C is in stock. Other than this, the Toronto Public Library, small pharmacies are also closed. Other stores and clinics like optics, dentists are closed till further notice. कुछ रेस्टोरेंट्स ओपन तो है पर यहाँ पे डाइनिंग अलाउड नहीं है, पर आप पार्सल ले जा सकते हो. जहाँ सैनिटाइजर्स हर जगह आउट ऑफ स्टॉक है, मेरे घर के पास मुझे ये शॉप मिला जहाँ बड़े बड़े बोर्ड्स पे ये लिखा है, जो कि कोई गुड न्यूज से कम नहीं है. कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक चाइनीज लेडी बैड सूप पी रही थी, तो सब लोग उस लेडी को और चाइना को ब्लेम कर रहे थे कि उनकी ईटिंग हैबिट्स के वजह से ये जो वायरस है वो स्प्रेड हुआ है. ये न्यूज़ बिल्कुल गलत है. कुछ दिनों पहले ये प्रूव हुआ है या फिर कन्फर्म हुआ है कि ये जो वायरस है वुहान के एक एनिमल मार्केट से स्प्रेड हुआ है. सो प्लीज स्टॉप बिलीविंग ऑन एवरी व्हाट्सएप फॉरवर्ड. अगर आपको राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो गवर्नमेंट के हेल्थ वेबसाइट पे जाइए या फिर WHO की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से इन्फॉर्मेशन रीड करो. और उसके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने छोड़ दिया है. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स फॉर 20 सेकेंड. एंड दैट डजंट मीन कि आप वाटर टैप 20 सेकेंड के लिए ओपन रखो. प्लीज सेव वाटर एज वेल.